नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदा आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 29 अगस्त 2020 को पड़ने वाले परिवर्तनी एकादशी व्रत की, इस व्रत कथा की। साथ ही साथ इस दिन का क्या विशेष महत्व होता है, क्यों इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा, साथ ही साथ इस व्रत के क्या विशेष नियम हैं, इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तिथि व मुहूर्त की बात करते हैं। तो देखिए, जो एकादशी है वो 29 अगस्त को रहेगी पूरे दिन, और इसका जो व्रत रहेगा वो 29 अगस्त को ही रखा जाएगा, और जिसका पारण का समय होगा वह अगले दिन 5:58 सुबह से 8:21 तक रहेगा। अर्थात 2 सवा 2 घंटे का ये टाइम है जिसके शुभ समय में आप पारण अवश्य करें। और पारण के समय विशेष ध्यान रखें कि कुछ दान दक्षिणा करने के बाद यदि पारण करें तो निश्चित रूप से उसका जो पुण्यफल है वो ज़्यादा अच्छा प्राप्त होता है। यदि एकादशी तिथि की प्रारंभ की बात की जाए तो वैसे तो यह 8:38 28 अगस्त को ही हो जाएगी, लेकिन चूंकि सूर्योदय के समय नहीं रहेगी और सूर्योदय के समय अगले दिन चूंकि 29 अगस्त को ये रहेगी, और जबकि तिथि जो है 8:17 पर ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि पूरे दिन एकादशी तिथि नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जिस दिन सूर्योदय के समय कोई तिथि होती है उसी दिन व्रत किया जाता है, इसलिए सभी लोग 29 अगस्त को ही परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं। तो अब बात करते हैं कि परिवर्तनी एकादशी जो है इसका क्या महत्व है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होता है इसे व्रत, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं, लेकिन हर मास की जो एकादशी होती है उसका विशेष महत्व है। हर मास की एकादशी की जो व्रत कथा है वो भी बिल्कुल अलग है और उसका एक विशेष महात्म्य भी होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसलिए इन 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है, और धार्मिक कार्यों, ध्यान, भक्ति आदि के लिए समय श्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन ये 4ों मास धार्मिक रूप से चातुर्मास और चौमासा के रूप में जाने जाते हैं, और ऋतुओं में यह काल वर्षा ऋतु का होता है। भगवान विष्णु 4 महीने तक सोते रहते हैं और देवोत्थानी एकादशी को ही जागृत होते हैं, लेकिन इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है जब सोते हुए भगवान विष्णु अपनी करवट लेते हैं, और यह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। तो आप इस तरह से जान गए कि जो ये व्रत है इसका नाम परिवर्तनी क्यों पड़ा। इसके अलावा जो परिवर्तनी एकादशी है उसको विभिन्न जगहों पे पाशर्व एकादशी, वामन एकादशी, जय झूलिनी, डोल ग्यारस, जयंती एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत से बाष्पीय यज्ञ जितना पुण्यफल उपासक को मिलता है, इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है। जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जाने अनजाने के पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए जो एकादशी है यह मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली। तो अब बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। देखिए, ये जो व्रत कथा है बहुत ही प्राचीन भी और बहुत प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेकर कैसे धरती पे अवतरित होते हैं और उनके धरती पे अवतरित होने का क्या प्रमुख प्रयोजन होता है वो भी इस कथा के माध्यम से जाना जाता है। तो महाभारत की कथा में एकादशी व्रत के पुण्य का भी वर्णन आता है, और ये भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्म के पापों से भी छूट जाता है।
माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया था और यह समस्त पापों का नाश करने वाली होती है और इसका नाम परिवर्तनी एकादशी व्रत होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था जो असुर होने के बाद भी लोगों की मदद और सेवा करता था और वो चूँकि बहुत ही धार्मिक राजा था, पूरी तरह से धर्म कर्म में भी लगा रहता था और धर्म करके कार्यों में बहुत ज़्यादा लीन भी रहता था और अपने तप और भक्ति भाव से बलि देवराज इंद्र के बराबर आ गया था। बलि की भक्ति से देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता घबरा गए। देवराज को तो लगने लगा कि यदि बलि को नहीं रोका गया तो वह स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तब इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली और अपनी चिंता प्रकट की, रक्षा करने की प्रार्थना की। चूँकि भगवान विष्णु देवताओं की सदैव रक्षा करते हैं तो उसके बाद भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। वामन रूप में भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर जाकर उनसे भिक्षा मांगते हैं। चूँकि वो उनसे वचन ले लेते हैं तो बलि उनके वचनों में बंध जाता है। हालांकि उनके जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वो उन्हें बार बार मना करते हैं कि भगवान विष्णु है, लेकिन बलि कहते हैं कि अगर भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पे आकर मुझसे मांग रहे हैं तो इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज भी जब मंदिर में पुरोहित लोग आपके हाथ में धागा बांधते हैं रक्षा सूत्र, तो वो एक मंत्र पढ़ते हैं, दान विंद्रो राजा महाबली। जो ये मंत्र पढ़ा जाता है वो यही बताता है कि आपके अंदर उतनी दानशीलता बढ़े जैसा कि वो राजा बलि थे। तो ये आपके रक्षा सूत्र होता है जो आपके हाथ में बांधा जाता है और भगवान के चूँकि उन पर आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी, इसलिए आज भी पूजा के समय कलावा बांधते समय भी राजा बलि का नाम स्मरण किया जाता है। जब भगवान उनके दरवाजे पे पहुँचे तो उन्होंने उनसे 3 पग भूमि की मांग की। तो राजा बलि ने कहा कि आप भगवान 3 पग भूमि ले लें। भगवान वामन स्वरूप में उन्होंने तुरंत ही एक बहुत बड़े स्वरूप में आ गए और उन्होंने 1 पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरे पाताल को नाप लिया और 3रा पग उठाकर उन्होंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, बता अब मैं अब तीसरे पाँव को कहाँ रखूँ। तब राजा बलि कुछ भी नहीं कह सके और उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे पता है कि आप तो भगवान हैं, आपके ही सब कुछ अधीन है और चूँकि मैं वचन में बंधा हुआ हूँ तो इसलिए आप ये जो 3रा पैर है वो मेरे सर पे रख दें। और राजा बलि की इस भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उनके सर के जो टुकड़े हुए उससे बहुत सारे हीरे जवाहरात जो हमारे धरती पे पाए जाते हैं, माना जाता है कि वो उनके सर के वो टुकड़ों को ही माना जाता है। चूँकि देखिए कथाएं हैं, वो सर के वो जो टुकड़े हैं उनको पत्थरों की, चमकीले आभूषणों की, कीमती रत्नों की संज्ञा इसी दे दी जाती है कि उनके सिर पे भगवान विष्णु ने अपने पैरों को रखा था। तो ये जो महान कथा ये हमें बताती है कि व्यक्ति यदि परोपकार की भावना रखता है तो जीवन में वो बहुत बड़ा नाम कमाता है और यही नहीं कि जीवन में वरन जीवन के बाद भी वर्षों वर्षों तक लोग उसको उसकी दानशीलता के लिए याद करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।